बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रवानिटी में आपको वेलकम करते हैं। किस्मत बदलने का 13 रजब का वजीफ़ा आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे। 13 रजब और मुरजब अल्लाह ताला ये देखने और मालिक करीम उस दिन के फैज़ व बरकात समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। 13 रजब और मुरजब आम दिन ना है और ना आप समझें। इस दिन हज़रत सैदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम का योम विलादत है। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद ग्रामी का योम पैदाइश है। बहुत अजमतों वाला और फजीलतों वाला दिन है। यही वो दिन है जिसके सदक़े अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ग़ुलामों समेत इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के योम पैदाइश के हवाले से 13 रजब के दिन हर हाजत के लिए ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है। 13 रजब का वजीफ़ा नाद अली आपकी ज़िंदगी और मुकद्दर को अल्लाह के हुक्म से संवार देगा। 13 रजब में 113 मरतबा दुआए नाद अली ज़रूर मोहब्बत से पढ़ लें। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर हाजत पूरी होगी। हर मुश्किल भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे इकराम के सदक़े में आसान हो जाएगी। 13 रजब का आगाज़ 14 फरवरी बरोज़ पीर मगरब की नमाज के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। इस रात आपने 2 रकात नमाज नफल इस तरह अदा करने हैं। इन दोनों नवाफिल में अल्हम्दुशरीफ के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास की तलावत करें। नवाफिल पूरे करने के बाद 100 मरतबा अल्लाहु समद, फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 113 मरतबा नाद अली पढ़ना है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो सारा सवाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल औलाद को हदिया कर देना है। दुआ मांगनी है, या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा जो कुछ किया ये सारा सवाब तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की अरवा को पेश करता हूँ। इसके बाद आप अपने मकासद के लिए दुआ मांगें। जिस मकसद के लिए दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उस मकसद के अंदर आपको कामयाबी से हमकरार फरमाएंगे। चाहे आपका दीनी मसला है, चाहे शादियों का मामला है, इंशाल्लाह ताला इस अमल के सदके आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह रब करीम इस अमल के सदके आपको कामयाबियां अता फरमाएंगे। ये वजीफा एक ही दिन किया जाता है। कोशिश करें इस वजीफे को 3 दिन तक जारी रखें, यानी 13, 14 और 15 रजब लगातार 3 दिन अमल करें। बहुत आसान और मुख्तसर सा अमल है। इसके अलावा आप अपने हाथ के साथ नक्श नाद अली भी लिखें। खुद नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लें, फिर फ्रेम में बंद करके इसे अपने घर में जरूर रखें। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दौलत से भी अता फरमाएंगे। आपकी जान औलाद घर कारोबार कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगी। इस दिन के सदके अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। इस माह में 3 रोज़े बरोज़े जुमेरात जुम्मा तुल मुबारक और हफ्ता ज़रूर रखे जाएँ, क्योंकि इन 3 रोज़ों का सवाब 900 साल की इबादत का सवाब है। इस माह में ज़कात दी जाए। किसी का कर्ज अदा करना हो तो उस माह में वो कर्ज अदा किया जाए। हमारे वो अकारब अजीज़ो अकारब जो फोत हो चुके हैं, मसलन वालदैन वगैरह, उनकी मकफ़रत के लिए खुशी दुआएं की जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रजब की फैज़ो बरकात से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।